क्यों छोड़ा जोहेब तुमने मुझे? काश काश तुम मुझे नहीं छोड़ते। आज मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं क्या करूं? कहीं मेरे दिल में अभी भी तुम तो नहीं हो? तुम मेरे क्या हो? कोई रिश्ता नहीं है मेरा अब तुमसे, कोई नहीं। मम्मी क्या हो गया आपको? प्लीज अपना मूड तो ठीक कर लें। अब आपको पता है वहां पे भी सब यही नोट कर रहे थे कि आपका कैसे मुंह बना हुआ है। मेरा मुंह है ही ऐसा। मम्मी मेरी बात सुने, पहले दिन से आपने जितनी भी शर्तें रखी हैं मैंने सब मान ली हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने बड़े दिन पे मेरी माँ मुझसे नाराज हो। और आपको पता है हादिया भी वहां पे यही कह रही थी कि उसे लगता है कि मुमानी जान अब तक हमारी शादी से खुश नहीं है। क्या हुआ है अम्मी, मुझे बताएं तो सही। उमेर तुम्हें अभी भी परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि हादिया क्या सोच रही थी? अपनी माँ के बारे में सोचा कभी तुमने? गलती की मैंने जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के साथ वहां चली गई। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा आई एम सॉरी ना, I'm sorry अगर मेरी बात से आप नाराज हो गए। प्लीज सुहे, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? बस नींद नहीं आ रही थी। ये तो ठीक है ना? हाँ, अजीब सी घबराहट हो रही थी। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी सी हवा खा लेता हूँ। समीना, तुमने सारा से बात की? नहीं शौकत, अभी तो मैंने उससे बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मम्मा, मैं सोनिया के घर जा रही हूँ। आयशा को महानूर को दे दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? तुमने जोहेब को बता दिया था? जी मैंने उसे बता दिया। मैं कोशिश करूंगी उसके आने से पहले ही आ जाऊँ। ठीक है ठीक है, ओके बाय। सारा? जी बाबा। बेटा मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, बैठो। कहिए। वो मैं सोच रहा था कि तुम और जुहेब कहीं कहीं घूमने फिरने चले जाओ। शौकत आप सारा से घुमा फिराकर बात क्यों कर रहे हैं? इससे साफ साफ कह देना, सारा तुम्हें पता है ना कल हादिया का निकाह है। तुम और जुहेब यहाँ पे होंगे बिला वजह कहीं बदमजगी ना हो जाए। देखो सारा, हम दोनों चाहते हैं तुम दोनों की गैर मौजूदगी में निकाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। शायद आप ठीक कह रही है मम्मा, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि हादिया जितनी जल्दी हो सके इस घर से खामोशी से रुखसत हो जाए। अच्छा तुम जुहेब से बात करना इस बारे में। जी ठीक है।
बेटा तुम और जुहेब डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना है, मैं फिर टिकट करवा दूंगा, तो इस बहाने ज़रा आउटिंग भी हो जाएगी। जी ठीक है बाबा, थैंक यू। अब मैं जाऊँ, बाय बाय। शुक्र है शौकत, इसको आपकी बात समझ आ गई। चलो हादिया, जल्दी से अपना हाथ धो, अतः मैं मेहंदी लगाती हूँ। मैंने दो मानूर, मुझे नहीं लगानी मेहंदी। अरे भला ये क्या बात हुई, कल तुम्हारा निकाह है भाई, और वैसे भी मेहंदी से ही तो दुल्हन दुल्हन लगती है। क्या हुआ हादिया, तुम खुश तो हो ना? पता नहीं मानूर, कुछ दिन में कई बार अपने आप से ये सवाल करती हूँ लेकिन जवाब नहीं मिलता। अच्छा ना, अब प्लीज हाथ धो ना अपना, मैं मेहंदी लगाऊंगी तुम्हें। मानूर मेरा दिल नहीं कर रहा, रहने दो। तुम्हें पता मामा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मेहंदी लगा दूं, अगर तुम मुझसे नहीं लगवाओगी ना मेहंदी तो बिला वजह मामा नाराज होंगी। मानूर को मैंने ही कहा था कि हादिया के हाथों में मेहंदी जरूर लगनी चाहिए। क्या बात है बेटा, तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाह रहा मेहंदी लगाने के लिए? उमर के भी तो अरमान होंगे कि वो अपनी दुल्हन के हाथों में मेहंदी देखे। और फिर हादिया, शादी तो खुद इतनी सादगी से हो रही है, कम से कम मेहंदी तो लगा लो बेटा। चलो शाबाश, हाथ दो अपना। अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो मैं लगा लेती हूँ। शाबाश, जीती रहो। चलो महानूर बेटा, अच्छी सी मेहंदी लगाना मेरी हादिया के हाथों में, मैं जरा काम करके आती हूँ। मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो। जुहेब, तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हो। हम कहीं घूमने चलें, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी। ये अचानक तुमने घूमने का प्लान कहाँ से बना दिया? कल हादिया का निकाह है ना, मैं नहीं चाहती हम उसके निकाह के दिन इस घर में रहें। हम इस्लामाबाद चलते हैं ना, एक दो दिन में टिकट्स हो जाएंगी, बाबा करवा देंगे, फिर हम लोग वहीं से कहीं चलेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। अगर सुहेब, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, वैसे भी ऑफिस में बहुत सारा काम है तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। बाबा कह रहे थे वो सब एडजस्ट कर लेंगे। बाबा, चाचू को क्या पता है, वो तो अपने पॉलिटिकल मीटिंग्स में रहते रहते हैं। ऑफिस के सारे इंतजाम मैं ही देखता हूँ। लेकिन सुहेब, हम शादी के बाद कहीं पर भी नहीं गए। सारा मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तो बहस मत करो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी यही आदत बुरी लगती है।